नीमच जिले के मनासा में कुकड़ेश्वर थाना अंतर्गत गांव डोडर ब्लॉक से लापता युवक की लाश 11 दिनों बाद जंगल से मिली। पुलिस ने लाश का पीएम करवाकर मर्ग कायम कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी राजेश सिंह चौहान ने बताया कि 15 अक्टूबर को डोडर ब्लॉक से पंकज उम्र 22 वर्ष पिता मदनलाल भील घर से घूमने की बोलकर निकला था, जो वापस घर नहीं लौटा। परिजनों द्वारा इधर उधर तलाश की परंतु कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद युवक के भाई भारत भील ने 23 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लापता युवक पंकज की लाश 27 अक्टूबर की शाम टामोटी रोड पर जंगल में पड़ी मिली, जिसकी शिनाख्त मृतक युवक के भाई द्वारा कपड़ों से की गई। वहीं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जाँच की जा रही है। तलाशी करने पर एक मुलजिम पकड़ाया गया, घनश्याम ठेकेदार। उसके बाद में वो मुलजिम फरार है। थाना कोटेश्वर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, 15 तारीख की करवाई थी। अच्छा, खेत में पानी करने गया था, बच्चा गुमशुदा हो गया था। हम डोडर के एक युवक की कल रात को सूचना मिली थी, एक डेड बॉडी टामोटी रोड पर मिली थी, और करीब 10-12 दिन पुरानी डेड बॉडी थी वो। और वो 15 तारीख से मिसिंग था, और उनके परिजनों ने 24 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी, और उसके बाद उसको पीएम के लिए भेजा गया है। और पीएम रिपोर्ट वगैरह आने के बाद और जो भी साक्ष्य रहेंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अभी मर्ग कायम कर लिया गया है और उसकी जांच जारी है। कितने आरोप अभी तक अभी जांच में है, मर्ग जांच में है। अब और तथ्य देखेंगे, कल भी बात की है, गांवों में भी लगाए गए हैं आदमी, और जो भी उसमें साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। नीमच जिले के मनासा से बदलाल गुजर के रिपोर्ट।